तो राइट गाइस, कभी आपने ये सुना है कि अपने इश्क को जलाने के लिए आपको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू सुरेंद्र टाटा रिव्यू एंड रिएक्शन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू करने वाले गेम ऑफ कर्मा के एपिसोड फर्स्ट का पूरा स्टोरी लाइन एक्सप्लेन। पूरी वेब सीरीज में आपको एक कपल्स को लेकर हाईलाइट किया गया है जिसका नाम स्नेहा और रजत होता है। भाई इनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और इनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी स्नेहा को रजत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि फाइनली रजत इनकी लाइफ में क्या कर रहा है, ऑफिस के बहाने किससे मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो फाइनली इनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और फाइनली इसके फ्रेंड इनको यार सरप्राइज देने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो इनकी मैरिज पार्टी रखते हैं। तो मतलब इनकी मैरिज पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपने घर पे। लेकिन यार यहाँ पे जो अनूप नाम का एक लड़का इसमें देखने को मिलेगा जो कि स्नेहा के साथ काफी ज्यादा डांस करता है, उसको टच करता है। यहाँ पे अगर हम उसके एक्सटेंशन की बात करें तो वो मतलब उसके दिमाग में उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं थी, वो ओनली फॉर उसकी फ्रेंड होती है। लेकिन ये सब कुछ यार रजत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। रजत यार ड्रिंक के नशे में इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि ग्लास को फोड़ता है और फाइनली अपनी पार्टी को वहां पे एंड करता है। रजत बुरी तरह से यार सब फ्रेंडों को काफी ज्यादा यार डराता है, धमकाता है और वहां से गेट लॉस्ट करता है। अगर स्नेहा की बात करें, स्नेहा उसको बोलती है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया, क्यों पार्टी खराब की। अगर रजत की बात करें तो रजत बोलता है कि मुझे ये सब कुछ चीजें पसंद नहीं है कि तुमको कोई टच करे या तुमको कोई तुम्हारे साथ डांस करे। लेकिन स्नेहा की बात करें तो वो सब कुछ चीजें देख के स्नेहा काफी ज्यादा हैप्पी होती है कि फाइनली इसके लिए मेरे दिल में इस तरह की फीलिंग है, अभी भी जिंदा है। लेकिन इन सब चीजों के बाद में फाइनली इनके हमको रोमांटिक सीन वगैरह देखने मिलेंगे। अगर हम बात करें स्नेहा की, जो कि ऑलरेडी इसका एक छोटा वाला लड़का होता है, और फाइनली नेक्स्ट डे इसमें दिखाया जाता है कि रजत फाइनली अपने ऑफिस टूर के लिए निकलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 दिन की छुट्टी लेके जाता है, लेकिन स्नेहा को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता होता कि फाइनली ऑफिस टूर पे जा रहा है या अपनी जेब से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो रजत के ऑफिस जाने के बाद स्नेहा की फ्रेंड उनके घर में एंटर होती है और फाइनली यार बैकवर्ड से फोन आता है रजत का। रजत बोलता है कि मैं फाइनली शिमला जा चुका हूँ और यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है। ये सब कुछ चीजें बोल के वो फोन को काट देता है और फाइनली यार यहाँ पे 15 दिन तक स्नेहा जो है अकेली रहती है और यार बैकवर्ड में काफी ज्यादा यार ये उसको मिस करती रहती है। लेकिन रजत की फाइनली 15 दिन बाद में एंट्री होती है जो कि स्नेहा काफी उसको मिस करती है। फिर आपको यहाँ पे यार हस्बैंड वाइफ के वो होट वाले सीन, रोमांटिक सीन काफी ज्यादा हमको हाईलाइट करके दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो रजत फिर से वापस अपने जो ऑफिस टूर के लिए रेडी रहता है और भाई घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यार बीच रास्ते में वो जाता रहता है, ड्राइविंग करता रहता है, तब उसको याद आता है उसका फोन, क्योंकि फोन वो ऑलरेडी घर पे भूल जाता है। रजत को एकदम से याद आती है कि उसमें उसकी प्राइवेट पिक्चर से प्राइवेट वीडियो है। तो मतलब रजत फटाफट से घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में वो देख लेता है कि स्नेहा को सब कुछ चीजें पता चल चुकी होती है, क्योंकि वहां पे उसकी प्राइवेट वीडियो प्राइवेट पिक्चर से जो स्नेहा देख लेती है कि रजत फाइनली ऑफिस टूर के बहाने 15 दिन से अपनी जेब से मिलने के लिए जाता है, टाइम स्पेंड करता है, एंजॉय करता है। वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार स्नेहा की बात करें तो स्नेहा बुरी तरह टूट चुकी होती है। इतने में ही यार उनके घर पे आता है फाइनली एक कचरा वाला जो कि उनके घर की सफाई करता है। तो स्नेहा यार उससे बदला लेने के लिए उस आदमी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, रोमांस करती है। वो सब कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेगी। जो बंदा अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भाई इस कचरे वाले के साथ में टाइम स्पेंड करना, वो सब कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्ड करके इसमें दिखाई गई है। मतलब यार अगर हम बात करें तो रजत की लाइफ यहाँ पे कचरा कचरा हो चुकी होती है। तो फाइनल यार इस कहानी का शीर्षक है गेम ऑफ कर्मा कचरा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरी हॉट वेब सीरीज रहने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको इसमें हॉट सीन बोल्ड सीन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको इसमें एक पार्ट देखने मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरी हॉट वेब सीरीज रहने वाली है। शॉर्ट वीडियो में पूरी सीरीज रिव्यू कर चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। गेम ऑफ कर्मा कचरा वेब सीरीज से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी जानना चाहते हो तो फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर देना, वहाँ पे सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो अपने छोटे भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।